जी मैं तो हूँ नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह है और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अक्की और अलीका नायर जी, एक माई गेस्ट हैं। और आज के शुभ अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि मैं ऋषि विश्वकर्मा को प्ले कर रहा हूँ और ये प्ले कर रहे हैं असुर का कंटासुर, असुर का लोग प्ले कर रहे हैं। और हम दोनों ही उनके प्रीवियस जो परशुराम सीरियल था उसमें इन्होंने रावण का रोल किया था। अभी बताएंगे आगे फर्दर की क्या है और काशी विश्वनाथ तो किस तरीके से शंकर जी ने बचाया था, इसके बारे में पूरा का पूरा ये शो है। और डेफिनेटली इस शो से जुड़ के हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। रंजीत जी, दिलीप जी ने हम लोगों को मौका दिया वापस इस शो से जुड़ने का, ये बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए। और आगे की बात अक्की जी अपने श्रीमुख से कहेंगे। जय श्री महाकाल, मैं हूँ आपका आकाश अक्कीनाथ। और दिलीप जी ने पहले परशुराम किया था जिसमें मुझे रावण का ब्रेक दिया था और मुझे बड़ी खुशी है कि रावण का कैरेक्टर के लिए उन्होंने मुझे मौका दिया। सेकंड ये काशी विश्वनाथ कर रहे हैं जिसमें मैं कंठासुर का प्ले अभिनय कर रहा हूँ। और दिलीप जी, रंजीत जी इसके प्रोड्यूसर हैं और इन्हें तहे दिल से शुभकामनाएँ। बहुत सारी बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर कि काशी विश्वनाथ जैसा इतना बढ़िया कंटेंट, जो हमारा हिस्ट्री, हमारी सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में अगर शो बन रहा है तो, और जिसमें जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ, आशा करती हूँ कि मैं भी इस शो का कभी हिस्सा बन पाऊँ। उस बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अक्की जो जिन्होंने रावण का रोल प्ले किया था, इनकी वाइफ का रोल इन्होंने प्ले किया था मंदोदरी का परशुराम में, तो उम्मीद करता हूँ कि भी भविष्य में काम करेंगे हमारे साथ। और आप सभी मीडिया जन का बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए। थैंक यू सो वेरी मच, कंग्रेचुलेशंस। अरे आदरणीय पत्रकार बंधु, क्योंकि हम परम पावन भूत भावन बंद करवाई जरा, साइलेंस साइलेंस कीप क्वाइट। मित्रों, हम परम पावन भूत भावन भवानी पति भगवान शंकर काशी विश्वनाथ की राजधानी त्रिलोक सुंदरी श्री काशी के मूल निवासी हैं, जो भूतल में विराजमान होने पर भी स्वयं भूमि नहीं है, जो अधो भाग में स्थित होने पर भी स्वर्ग से ऊपर है और जो भूमंडल में बद्ध होने पर भी मुक्ति का दान करती है, जिसमें मृत होने वाले प्राणी मात्र अमृत पद के अधिकारी हो जाते हैं, जिसे त्रैलोक के पावन श्री गंगा के पावन तट पर देवगण सदैव सेवते रहते हैं, वही त्रिप्रांतक काशी विश्वनाथ की राजधानी श्री काशी अज्ञान रूप विपत्ति से संपूर्ण जगत की रक्षा करने के साथ साथ हमारे समस्त उपस्थित भाइयों, हमारे कलाकारों और हमारे पत्रकार बंधुओं की रक्षा और सुरक्षा करे, ऐसी मेरी शुभकामना है। सर, रिसर्च मैंने जो किया, मेरे ज़िंदगी के 28 साल गुजर गए कि व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ काशी, काशी है क्या, काशी की उत्पत्ति भगवान सदाशिव शंकर ने कब किया, क्यों किया, किस लिए किया, तीनों लोक 14 भुवन में काशी परमोत्तम क्यों मानी जाती है, दुनिया के कोने कोने से लोग काशी में क्यों आना चाहते हैं, संपूर्ण संसार का विनाश संभव है लेकिन काशी का विनाश क्यों नहीं, काशी अविनाशी क्यों है, पूरे ब्रह्मांड में मात्र काशी में ही मोक्ष क्यों मिलता है, दुनिया के किसी भी कोने में मरने वाले व्यक्ति की लाश को जलाकर उसकी अर्थी की राख को काशी के गंगा में विसर्जित करने के लिए लोग क्यों जाते हैं, इस तरह के करीब 4,500 प्रश्नों का उत्तर चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और जितने भी मैथोलॉजिकल ऑथेंटिक ग्रंथ मिले उसका अध्ययन करते करते मेरे जिंदगी के 28 साल गुजर गए और अभी भी मैं व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ काशी, काशी के बारे में 0% समझ पाया हूँ। अब एक छोटा सा कहकर मैं लाइन दे दूंगा इन लोगों को, हमारे हिंदुस्तान नहीं, हमारे पूरे विश्व में 7 अजूबे हैं, उन 7 अजूबों में से एक अजूबा हमारे भारतवर्ष में ताजमहल है, लेकिन देवाधिदेव महादेव काशी विश्वनाथ की राजधानी श्री काशी में तो सब अजूबा ही अजूबा है, जिसमें हम 50 तो हम गिना सकते हैं मगर 2-4 बता देते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होती, दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जो अधो भाग में स्थित होने पर भी स्वर्ग से ऊपर है, दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जो पृथ्वी पर बद्ध होने पर भी मुक्ति का दान करती है, दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जिस शहर से कश्यप नंदन सूर्य को भी प्रकाश ग्रहण कराता है, दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जहां ब्रह्मा विष्णु 33 कोटि देवता भी उस शहर में रहने के लिए लालायित रहते हैं, दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है
जिस शहर के प्राणियों के जीवन का लेखा जोखा चित्रगुप्त नहीं लिखते। दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जो सायल पर्वत से पहले लोहित पर्वत पर खड़ा होकर देखने से ब्रह्मांड में सिर्फ वही शहर दिखाई देता है। दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जो जीवित है, निर्जीव नहीं है। और दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जहाँ एक पल भी अशुभ नहीं होता, 24 आवर्स शुभ ही शुभ होता है। और दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जो अनंतनामा है, अर्थात उसके अनंत नाम है। ऐसे अद्भुत और ऐसे अलौकिक शहर का शुभ नाम है जहाँ का कड़कड़ है पारस, वह शहर है बनारस, अर्थात देवाधिदेव महादेव की मोक्षदायिनी परम पावन धाम श्री काशी। जी, काशी विश्वनाथ नाम से ही अपने आप में पता चलता है कि बसे हैं काशी में और नाथ हैं सारे विश्व के। तो 750 अरब लोगों में हम कुछ गिने चुने लोगों को बाबा ने चुना है अपनी सेवा के लिए, तो मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। और गाने लिखने का मुझे निमित्त बनाया है बाबा ने, दिलीप जी का आभार, उनकी टीम का आभार। बस उनका काम है, वो करवा लेंगे, कुछ कहने बोलने ऐसा है नहीं। काशी अनंत है, काशी की महिमा अनंत है। जितने मोती चुन पाऊँगा उस महासागर से प्रयास करूँगा जनमानस तक पहुँचे और सब तक बाबा की महिमा पहुँचे सब उनको। और अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन ही रहा है, ये बहुत उचित अवसर है कि उनकी महिमा जिन लोगों तक नहीं पहुंची है उन तक भी पहुंचे। सारा संसार उनका अपना परिवार है, सब तक बाबा की बात पहुंचे, बस यही प्रयास करेंगे। जय भोलेनाथ जी। नमस्कार, मैं गोपाल वर्मा, काशी विश्वनाथ के सीरियल को मैं लिख रहा हूँ, मुख्य राइटर में हूँ। आप श्री दिलीप जी हैं, दिलीप सोनकर जी, आप इस सीरियल के प्रोड्यूसर हैं। आप डायरेक्टर शरद पांडे जी हैं, आप डायरेक्टर साहब हैं। आपने बहुत शोध किया हुआ है, तो इनकी भी जो जो मदद हमें मिल रही है वो ले रहे हैं, और आपके शुभाशीष हम लोग सबको मिल रहे हैं। और बाकी आप लोग क्वेश्चन जो भी पूछें और आंसर देने की कोशिश करेंगे। मेरा पहला सवाल दिलीप जी से है। दिलीप जी, आप इस प्रेरणा के बारे में बताइए जिसने आपको मजबूर कर दिया कि ये शो आपको बनाना चाहिए। देखिए, काशी के बारे में कहा जाता है कि वहाँ मोक्ष मिलना सौभाग्य की बात होता है और जन्म भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो मेरा जन्म भी वहीं हुआ, तो मुझे लगा कि भाई जिस धरती पर मुझे जन्म मिला उस धरती की जो विख्यात है, विश्व विख्यात में जो है उसको मुझे, मैं इस फील्ड से जुड़ा था कि मुझे लगा कि इसके चलचित्र के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से उसकी कहानी को, गाथा को लाना उचित होगा। तो सारे जनों का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, उसमें कश्यप अंकल का 25 साल का शोध भी रहा, गोपाल जी जैसे विद्वत राइटर जिन्होंने बहुत सारे सीरियल्स लिखे, और इस कहानी को हम लोगों ने साल भर से बहुत अथक प्रयास से, मेहनत से इसकी रचना, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, फिर इसके लिए कास्टिंग, क्रू तय करना कि कौन बेटर कर सकता है इस काम को, हम लोगों ने पूरा प्रयास करके इस टीम को खड़ी करके आज से हमारा शुभारंभ हुआ। हमारे मामा जी हैं, आचार्य हैं, काशी के विद्वान आचार्यों में गिने जाते हैं, पंडित सुरेश चंद शुक्ल जी हैं। तो इन्होंने इस काशी से आके इसका शुभारम्भ कराया, और हम लोग चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश निर्विघ्न रूप से इस धारावाहिक को स्वविख्यात बनाएँ। अब आप लोग का सहयोग, आशीर्वाद चाहिए हमारी टीम को। शूटिंग आज से शुरू है, लेकिन इसका टेलीकास्ट 2024 से प्रारंभ होगा। ये बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे, दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पे, तमाम जो है कि इसको पूरे विश्व भर में सनातन संस्कृति का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, और हिंदू धर्म की मान्यता कैसे हुई। और हिंदू धर्म हमारा तो बहुत बड़ा विराट धर्म है, जिसमें कहते हैं कि उसमें 10 ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग फॉलो कर लें वो ईश्वर बन जाते हैं। उसी जैसे कि सत्य अहिंसा पे भगवान बुद्ध ने अपनाया तो इतने बड़े विद्वान, महान भगवान बन गए। गांधी जी ने सत्य के मार्ग पे इतने बड़े महात्मा कहलाए। तो हमारा हिंदू धर्म बहुत विराट और उसकी संस्कृति ही बड़ी विराट रही है, और लोगों में तरह तरह की कभी कभी मान्यता आ जाती कि नहीं ऐसे। तो इसमें पूरा क्लिफिकेशन के साथ गोपाल जी ने जैसा लिखा है, हिंदू धर्म की उत्पत्ति से लेके इसके, कहते हैं कि 4 युग होते हैं, 4 युग के बाद फिर सृष्टि की रचना होती है ब्रह्मा जी का। तो सारी चीज़ों को आप देखेंगे बहुत ही रोचक तरीके से,
पात्र हमारे ऐसे लिए गए हैं कि जो लगेंगे कि नहीं, पात्रों का चयन अच्छी तरीके से हुआ है। संगीत के लिए भी मोंटी शर्मा, अभी जिनकी गदर 2 हिट हुई है, संगीत उनका है। और गीतकार के रूप में सुरेश तिवारी जी हैं, जो करीबन 10 साल से रविंद्र जैन के सहयोगी रहे हैं, उनके साथ काम किया उन्होंने। गीत वैसे ही उन्होंने परोसने का कार्य किया हुआ है सुरेश जी ने। और डायरेक्टर साहब ने अभी गरुणा सीरियल किया हुआ है। तो बहुत सारे, सारी टीम अपनी परफेक्ट है। इसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत के साथ इस सीरियल पे उतरे हैं। तो बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, ये सीरियल हिट हो और लोगों तक पहुँचे, अपना जो धर्म और संस्कृति है वो पहुँचे। और इसमें एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि अभी एक आप ज्वलंत मुद्दा देखे होंगे, काशी का ज्ञानवापी का जो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर विश्वेश्वर शिवलिंग स्थापित है। वो शिवलिंग भगवान विष्णु के द्वारा स्थापित किया गया था 7000 वर्षों की तपस्या के बाद, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने उसको तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बना दिया। उसकी भी कथा है, इसमें आपको पता चलेगा कि वो जो शिवलिंग है उसके मस्जिद के अंदर, वो भगवान विष्णु के द्वारा स्थापित है, जिसे आदि विश्वेश्वर कहते हैं। अभी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित है, जब मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ दिया। असली शिवलिंग और विश्वनाथ मंदिर उसी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तहखाने में कैद है, जिसे हम उसकी कथा भी दिखाएंगे कि वो किस तरह उसका जीर्णोद्धारण अब करना चाहिए हमें हिंदू धर्म वालियों को। एक्चुअली मेरा मानना है कि हर शो अपने आप में बहुत अलग और ये शो की खासियत यह है कि इसमें एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट काशी विश्वनाथ के ऊपर, जहाँ कहा जाता है कि वहाँ जो भी जाता है, जो भी शरीर का अच्छा है उनको मोक्ष मिले, और ये लिखा बहुत अच्छे तरीके से गया। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा लिखा है उसे कहीं बहुत अच्छे तरीके से ना आप लोगों के सामने लेके आऊँ, तो उस काशी की जो महिमा है, काशी का जो महत्व है, वो आम जनता के सामने आए और तरीके से सामने आए। भाई यही मेरी इच्छा है, अपने तरीके से ऑथेंटिक, जो ऑथेंटिक मामला सामने आए और ऑथेंटिक हो, बस इतना। गोपाल जी, आपसे एक बहुत आखिरी प्रश्न मेरा, वो प्रश्न ये है कि असामान्य तौर पर बिजनेस आजकल सीरियल तो बहुत से आते हैं, लेकिन इसमें से वो कौन से अनटोल्ड स्टोरी है, अनकही कहानी है जिसको आपने प्रस्तुत किया? इसमें बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो शिव जी के बहुत सारे सीरियल्स में नहीं आ पाई हैं। शिव जी के अनेक लीलाएं रही हैं और काशी से जुड़ी तो बहुत सारी लीलाएं रही हैं। तो जैसे तो ये जो अभी हमारे दिलीप जी ने जिक्र किया ज्ञानवापी का, ज्ञानवापी पे आज तक किसी ने दिखा ही नहीं पाया। इवन गूगल पे भी उसकी असली कथा नहीं पड़ी है, गूगल पे भी सर्च करते हैं तो ऐतिहासिक कथाएं हैं। तो वो ज्ञानवापी से लेके और भी बहुत सारी कथाएं, वहाँ करीब 1008 शिव मंदिर हैं जो शिव जी के बड़े बड़े तीर्थ कहलाते हैं पूरे काशी में, उनकी बहुत अच्छी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, सारी रोचक कथाएं हैं। एक और एक विशेष बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे धर्म ग्रंथों से बहुत समय से छेड़छाड़ करके उनको विद्रूप करने की कोशिश की है, और वो सारी की सारी जो विद्रूपता है वो निकाल के हम लोग, कोशिश हमारी यही रहेगी कि उसका असली रूप, जो सनातन धर्म का असली रूप है, वो हम अपने इस सीरियल के माध्यम से सबके सामने लाएं, ताकि सब लोग जानें कि सनातन धर्म क्या है, शिव क्या है, सत्य क्या है। जो सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं वही इसमें पूरा का पूरा दर्शाया जाएगा। शिव जी की अनेक लीलाएं हैं जिनको अभी तक नहीं दिखाया गया, वो रहेंगी, और शिव जी की प्रमुख सारी लीलाएं भी इसमें रहेंगी। यही हमारा उद्देश्य है। सर, एक यंग प्रश्न यह है, ज्ञानवापी जो है आज के समय का बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, इसके बारे में सिर्फ कुछ शब्दों में अगर आप बताएं, कुछ लाइनों में बताएं, बाकी आपकी किस तरह की भूमिका होगी और देखिए इन्होंने मुझे ऑफर तो की है ये भूमिका, मैंने कंफर्म नहीं की है अभी तक, एंड हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो भूमिका तो डेफिनेटली अच्छी है, सबको पता है स्टोरी क्या है। तो भूमिका के बारे में मैं, या मेरे रोल के बारे में
मैं डिटेल में बाद में बात करूंगी जब हम कंफर्म कर लेंगे कि भाई हम लोग मैं कर रही हूँ ये सीरियल। इस वक्त तो मेरा कुछ कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि मैं खुद अपनी सीरियल बना रही हूँ धरती पुत्र नंदिनी, नज़ारा पे है और मेरे पास थोड़ा समय का कंस्ट्रेन है, वरना मैं ज़रूर इनके साथ काम करती। बहुत समय से मुझे काम करना भी है उनके साथ। परशुराम भी जब उन्होंने बनाया तब हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर कोई रोल है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हुआ था। लेकिन मैं इच्छा तो रखती हूँ कि इस बार इनके साथ काम करूँ, तो जब होगा तब देखा जाएगा। बट मैं खास इसलिए आई हूँ कि मैं अपनी शुभकामनाएं उनको दे सकूँ और खूब अच्छे से बने और खुद बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए। मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा नाम रंजीत कावले है, मैं इस शो का क्रिएटिव प्रोड्यूसर हूँ और शो में बनाने में जितनी टीम है हमारी पूरी, सब लोग मेहनत कर रहे हैं और सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। बहुत काफ़ी टाइम से हम लोग रिसर्च टीम है हमारी पूरी, काफ़ी टाइम से रिसर्च चल रहा है और सारी ऑथेंटिक चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और जैसे कि मैम आई हुई है यहाँ पर, तो रामायण का जैसे जिक्र होता है वैसे ही काशी विश्वनाथ का भी फ्यूचर में जिक्र होगा डेफिनेटली, तो वही बस आपकी शुभकामनाएं चाहिए सबकी। थैंक यू दिलीप जी, आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं दिलीप जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मेरे बड़े परम मित्र हैं और इन्होंने बहुत अच्छा सब्जेक्ट बनाया काशी विश्वनाथ के ऊपर। मैं खुद इलाहाबाद का हूँ तो बनारस से एक अलग से जुड़ाव लगा हुआ है और लॉकडाउन में सबने रामायण का जो एक हिस्ट्री क्रिएट किया देखा, तो इसका मतलब है जनमानस चाह रहा है कि इस तरह का शो लगातार आए। तो दिलीप जी बहुत बधाई के पात्र हैं और रंजीत जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस तरह का अच्छा काम करते रहे और ये जरूर चले। हाँ, और बेसिकली मैं इसमें रोल भी कर रहा हूँ, एक इंद्रदेव प्ले कर रहा हूँ मैं। तो दिलीप जी क्या कहेंगे आपका? मैडम तो हमारी पुरानी परिचितों में है और ऐसे सीरियल में तो मैडम खुद चाह रही है कि इसमें करे, कुछ है समय का भाव लेकिन एडजस्टमेंट होगा। अब मैम तो है ही है, साथ में आशीर्वाद है उनका, रविंद्र जैन थे हमारे गुरु थे, तब से सबका परिवार जैसा माहौल था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैम का थोड़ा समय का अभाव है, इनका खुद का सीरियल चल रहा है, उसमें से मैम समय निकालेंगे और हम लोग को देंगी समय, यही है। मैम से आशीर्वाद चाहिए इस सीरियल काशी विश्वनाथ में, मैम भी की अच्छी भूमिका के लिए हम लोगों ने चुना है इनको, अब देखते हैं भविष्य। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे रहेंगे वो होता ही रहेगा उसमें। फोटो वीडियो तो भी कर देना। अरे सुनो, मैं किसी एक को दूँ फोन दे दिया, अपना दे दिया, वीडियो नहीं दे रहा है किसी एक को। मिथुन जी, मिथुन एक सेकंड, नहीं एक सेकंड बुला ले, आप दरवाजा करवा दो, एक वीडियो बना दो यार, मुझे चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कीर्तिका चौहान है और मैं क्रिएटिव हेड हूँ सीरियल की, और बाकी मुझे जैसे ही दिलीप सर और रंजीत सर ने बताया इस प्रोजेक्ट के बारे में, सीरियल के बारे में, तो पहली बात तो मैं भोलेनाथ की वैसे भी डिवोटी हूँ और मुझे भोलेनाथ से बहुत प्यार है, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और जैसे ही मैंने काशी विश्वनाथ का सोचा तो उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, मेरा ये था कि मुझे करना है ये सीरियल, तो एनी हाउ मुझे ये करना था और मेरे और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बट मैंने उसके लिए, इसके लिए स्पेशली टाइम निकाला है, मुझे ये सीरियल करना है। तो ये हेलो, हाँ जी, आज से आज हमारा शूट है, अभी आज चलेगा, देन इसके बाद भी हमारा कंटिन्यू है 45 डेज। बहुत जल्द से जल्द कोशिश है कि आपको देखने को मिलेगा, पहले शूट्स होगा देन उसके बाद ही रिलीज होगा जी।
मेरा नाम देवतोष मुखर्जी है, इस शो का मैं कास्टिंग हेड हूँ। जब ये शो एक साल पहले स्टार्ट हुआ था कास्टिंग, जबकि हम लोग एक शो बना रहे हैं, तब से ये यूनिट तैयार हुआ अपने आप में। बहुत सारी माइलस्टोन्स आई, बहुत नए नए फेसेस का ट्राई किया, अच्छे फेसेस ट्राई किए। इसमें कुछ ड्यूरेट कास्ट भी है जो पर हमने काम दिया शो में, और कुछ बड़े लोगों के साथ हमें काम करने का मौका मिला। थोड़ा चैलेंजिंग था बट अच्छा था। इतना है कि अगर आप देखेंगे तो ये शो इतना अच्छा आने वाले टाइम में दिखेगा आपको कि आप कहेंगे कि दूसरा रामायण या फिर दूसरा देवों का देव महादेव बनने जा रहा है। तो आप लोगों को शुभकामनाएं चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम अक्षय दांडेकर है। काशी विश्वनाथ सीरियल के माध्यम से मैं जिंदगी में तीसरी बार नंदी का कैरेक्टर प्ले करने वाला हूँ। इसके पहले मैंने मराठी सीरियल में दो बार नंदी का कैरेक्टर किया है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि नंदी जो है वो धैर्य और तपस्या का प्रतीक है, तो इस शो के लिए मैं मेरा धैर्य और तपस्या दिखाऊंगा और मैं अभिनय के माध्यम से आप सबका दिल जीतने का प्रयास करूंगा। आपकी शुभकामनाओं की ज़रूरत है, आपका आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच।